हेलो क्लास नाइन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस लैब। आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसी चैप्टर के साथ हम लोग अपना क्लास नाइन्थ का जर्नी को शुरू कर रहे हैं। और क्लास नाइन्थ बेसिक है इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए, तो आप लोगों को अभी से अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। आप लोगों का नाइन्थ अच्छा होगा तो टेंथ, इलेवंथ और ट्वेल्थ भी अच्छा होगा, और उसके बाद आपका तो जेईई और नीट तो है ही, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन शुरू करने वाले हैं। मोशन एक बहुत बेसिक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। हर एक चैप्टर में आपको इसका कंसेप्ट या काम में आएगा। मोशन का मीनिंग क्या है? मोशन मतलब होता है मूवमेंट, या आपको पता होगा मोशन मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी चीज़ जब मूवमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मोशन में होगा। जो कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रहा है वो मोशन में है, तो यही है। उसके बाद देखिए मोशन, इसमें हम लोग को जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्ट। एक चीज़ रेस्ट पे या फिर स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी कब बोला जाता है उसको? कोई चीज़ जब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अपना टाइम पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट पे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोशन। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन अपना पढ़ना है, वो है मोशन। और मोशन का डेफिनेशन बस इसका बिल्कुल उल्टा, इट विल चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका पोजीशन चेंज होता जाएगा। अब पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? जब भी हम किसी का पोजीशन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन ये थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो इसका पोजीशन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चीज़ है, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री, चलिए यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री है। इस ट्री के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? इस ट्री के रेस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस बढ़ गया। पहले ये ट्री से बस इतने मीटर पे दूर था, अब ये यहाँ से इस ट्री से इतना दूर पहुँच गया। तो एक चीज़ को हम लोग अपना रेफरेंस मानेंगे, कोई भी एक पॉइंट होगा उसको हम लोग अपना क्या मानेंगे? रेफरेंस। और उस रेफरेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस से अपने जो रेफरेंस था उससे थोड़ा सा दूर पहुँच गया। पहले ये ए डिस्टेंस पर था, अब ये बी डिस्टेंस पर पहुँच गया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? मोशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में जो पहला टॉप डेफिनेशन है या फिर पहला टाइप है मोशन का, वो है 1D या फिर लीनियर मोशन। इसको रेक्टिलीनियर भी बोला जाता है, लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर सेम ही चीज़ है। तो लीनियर मोशन देखिए, ये एक आप लोग एक लाइन बना लीजिए आपके घर में चौक से, एक स्ट्रेट लाइन, और उसमें चलने की कोशिश कीजिए। तो उसमें चलने की कोशिश अगर आप करेंगे, देखेंगे आप एक स्ट्रेट रोड में चल रहे हैं। या फिर ट्रेन देखिएगा, एकदम उसका जो रोड होता है एकदम स्ट्रेट होता है। तो वैसे टाइप के मोशन जो सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन क्या है? जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। तो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट इज नोन एज लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो मोशन है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। सेकेंड टाइप का मोशन इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, अपने घर के ऊपर जो फैन चल रहा होगा उस फैन को देखिए, वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब गोल गोल घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एनीथिंग दैट इज रिवॉल्विंग इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे आप सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल देख लीजिए सर्कुलर मोशन का, जैसे प्लैनेट्स है, अर्थ है, वो सन के चारों तरफ घूमता है, वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद आपका घर का जो पंखा है वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग, व्हेन द ऑब्जेक्ट is moving along a circular path about a fixed point
इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है अपनी ही पोजीशन पे, कोई अपनी ही पोजीशन पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर पोजीशन, एक ही पॉइंट पे बार बार गोल गोल घूमना, ठीक है। थर्ड जो हम लोगों का है टाइप है वो है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए पढ़ना। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हम लोग का इस चैप्टर का पहला चीज़ है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है ये अपने लोगों को समझना है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है बी ए, ये पॉइंट है बी, इसका बीच का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब देख लीजिए आपके घर से, ये मान लीजिए आपका घर है, ये यहाँ पे आपका घर है, और आपके घर से आपका जो स्कूल है, स्कूल वो कई रास्तों से जाया जा सकता है। हो सकता है एक रोड हो जो ऐसे जाता है, एक रोड हो जो ऐसे घूम के जाता है, ठीक है, एक रोड हो जो एकदम ऐसे 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 करके यहाँ से जाता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट वेज, यहाँ पे ए एक रोड है, बी एक रोड है, सी एक रोड है। अगर तीनों रोड से अलग अलग जाते हैं आप, तो आपको देखेगा कि डिस्टेंस आपको ज़्यादा पड़ रहा है किसी में कम पड़ रहा है। देखिए मान लीजिए एक रोड है जो कि ऐसे घूम 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 के इधर से आके इधर जाता है, ठीक है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा रास्ता हो गया, तो ये पॉइंट डी ये भी एक रोड मान लीजिए। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग रोड्स है, और अलग अलग रोड्स से जाने के लिए आपको अलग अलग टाइम लगेगा। किसी एक रोड से आप जल्दी पहुँच जाएंगे, किसी एक रोड से आपको लंबा पड़ेगा रास्ता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये आपका ए पॉइंट है मान लीजिए, और इस बी पॉइंट तक आपका बहुत सारे डिस्टेंस हो सकता है। आपने रास्ता ए चूज़ किया तो आपका वो डिस्टेंस कुछ और होगा, आपका रास्ता ए चूज़ किया तो मान लीजिए आपका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर पड़ा, ठीक है, आपने बी रास्ता चूज़ किया तो आपका हो सकता है 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ जाए, ये सी चूज़ किया तो आपका हो सकता है 15 किलोमीटर पड़ गया, ठीक है, आपने रास्ता डी चूज़ किया तो हो सकता है आपका 30 किलोमीटर पड़ गया, सॉरी 30 किलोमीटर, तो ये सारे मीटर में किलोमीटर में ले रहे, तो इसको भी किलोमीटर में ले रहे थे 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अलग अलग रोड से आपका अलग अलग डिस्टेंस पड़ रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, देखिए एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक के जो एक्चुअल लेंथ है, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस, नथिंग एल्स। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का अगर आप लोग यूनिट देखेंगे तो आपको पता होगा डिस्टेंस के यूनिट है मीटर। तो इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ स्केलर क्वांटिटी है, ये पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, देखिए सबसे पहले जैसे आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ योर होम, ठीक है, तो आपका बस मैंने डिस्टेंस बोला, घर का डिस्टेंस पूछा, तो घर का डिस्टेंस कितना है, आपने बोला 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर बोला, तो आपका घर 10 किलोमीटर, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है इस पॉइंट से 10 किलोमीटर, इधर भी हो सकता है, इट कुड बी इधर, ये इधर भी, इस तरफ और ये इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर हो सकता है। तो मैंने आपको ये नहीं पूछा कि 10 किलोमीटर किस तरफ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं किसी भी तरफ 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूँ कि आपका घर डिस्टेंस, आपका घर कितना दूर है, तो आप बोल देंगे 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपको बोलना भी तो पड़ेगा ना कि टूवर्ड्स ईस्ट या फिर टूवर्ड नॉर्थ, ये आपको बताना भी पड़ेगा स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे कि सिर्फ 10 किलोमीटर, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, सिर्फ वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें क्या है, बस वैल्यू है, ये इस चीज़ का डिस्टेंस का, आपका जो घर है उसका डिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आपको, आप ये तो बताएंगे कि 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के साथ साथ आप डिस्टेंस ही बोलेंगे कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैं किस तरफ जाऊँगा, मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊँगा ईस्ट की तरफ, और बिल्कुल आपका घर मुझे मिल जाएगा 10 किलोमीटर पे, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसमें वैल्यू तो आपने बोला, वैल्यू तो आपने बोला, लेकिन वैल्यू के साथ साथ आपने और क्या बोला, डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा चीज़ होता है जिसके अंदर खुद का वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर एक ऐसी चीज़ है विच हैज़ सम मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वही वैल्यू, ठीक है। और दूसरा इसके पास क्या होता है, इसके पास अपना डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन जबकि जो स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नो कोई इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। जैसे आपका मैं बोल दूँ कि अब मेरा स्पीड है, अभी मेरा स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, अभी मेरा स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि मेरा स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। अब मैंने क्या बोल दिया, नॉर्थ को इंक्लूड कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने अपना डायरेक्शन बता दिया, तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। लेकिन अगर सिर्फ मैं आपको वैल्यू बोलता तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ स्केलर। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर चीज़ क्या है, जिसके पास अपना खुद का एक डायरेक्शन हो। हम लोग के पास नॉर्मली 4 डायरेक्शन है, आप लोगों को पता है, एक ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट और इधर साउथ वेस्ट। तो ये कुछ डायरेक्शंस है, आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना डायरेक्शन शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन कैसा क्वांटिटी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल देंगे कि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर पर है, मुझे ये नहीं बोलना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से जब मैं गया था ए पॉइंट से बी पॉइंट में, मैं जब पहुँचा, मेरे को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताया गया कि था कि मुझे जो है मुझे इसी रास्ते से इसी रोड से जाना है, इसी डायरेक्शन जाना है। मैं चाहता तो इस डायरेक्शन में जाके लास्ट में ऐसे घूम घाम के कहीं से मैं यहाँ पर पहुँच सकता था, ठीक है। लेकिन मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जाके मुझे बस बी पॉइंट तक पहुँचना है, और उसके बीच में जो टोटल लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो मेरा कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको मैं एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूँ कि आपको यही से जाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है। लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है, ये बस डिस्टेंस विथ डायरेक्शन है, ये बस डिस्टेंस विथ डायरेक्शन है। ये एक डिस्टेंस है जिसका खुद का एक डायरेक्शन है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दिया है। और ये एक और चीज़ देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ट्रेवल करूँ तो क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी पॉइंट के बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो कि आगे हम लोग ट्राई करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, या मैंने आपको बता दिया था पहले, वेक्टर क्या होता है, जिसके पास खुद का डायरेक्शन होता है। अब एक चीज़ आपको वेक्टर में और याद रखना है, वेक्टर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। जबकि ये जो है स्केलर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। स्केलर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जैसे डिस्टेंस, अगर मैं एक पॉइंट से बी पॉइंट का बीच में डिस्टेंस बोलूँ, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, वेक्टर ज़ीरो हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, तीनों ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये ज़ीरो कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये आपका घर है, आप अपने घर से एक दुकान गए हैं, ठीक है, ये आपका घर है और आपके अपने घर से दुकान गए, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसका बीच का डिस्टेंस है मान लिए 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ से चलते हुए दुकान की तरफ गए, ये दुकान में गए और यहाँ पे पहुँच गए। जैसे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, डिस्टेंस चल लिया 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो
तो 5 किलोमीटर हो गया। अब आप क्या किया, आपने दुकान से वापस आ गया। आप दुकान से जैसे ही आप दुकान से वापस आ जाएंगे, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस देखिए, आप गए कितना 5 किलोमीटर, आए कितना 5 किलोमीटर, यानी कि 5 प्लस 5 यू डिस्टेंस विल बी 10 किलोमीटर। वेयरस आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो होगा 0 किलोमीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है वो बस डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। अब आप अगर इस रोड से जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कुछ और आएगा, जैसे मैंने बोला था। आप अगर इस रोड से जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कुछ और आ सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वही, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए आप बीच में कहीं पर यहाँ पर ए बी से सी पॉइंट में रुक गए थे, ठीक है, तो इसका कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से गए हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि इस रोड से जाए ही ना, कि आप इस रोड से स्ट्रेट रोड से गए ही नहीं है। आप गए हैं इस रोड से जहाँ पे आपने बीच में सी पे, या फिर इसको नाम देते चलिए डी पॉइंट पे, या फिर सी पॉइंट में आप रुके थे। फिर रुकने के बाद यहाँ से वापस से आप बी में गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा हो गया, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखना है, चाहे आप उस रूट से जाओ ना जाओ, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेट और एकदम, मतलब जैसे आप लोग एरोप्लेन देखते हो स्ट्रेट जाते हैं एक सिटी से एक दूसरे सिटी, ठीक है। तो वो जो एरोप्लेन वाला पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो आप रोड से या फिर आप किसी भी ट्रेन से गए तो उसमें ट्रेन घूम घाम के जाता है, रोड जो होता है वो घूम घाम के जाता है, वो हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके खुद से करना है। व्हाट इज, नहीं तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपका ये इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप आंसर्स इजीली देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोग क्लियर है, ठीक है। तो अच्छा रुकिए, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी वापस ए। तो मैं गया पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो मैं जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया तो इसका डिस्टेंस है मान लीजिए चलिए 5 किलोमीटर, चलिए 5 किलोमीटर ले लेते हैं। अब ए से बी तक कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब बी से सी तक कितना है, मान लीजिए बी से सी तक जो मेरा डिस्टेंस है वो है मेरा 3 किलोमीटर। बी से सी तक मेरा डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब मेरे को सी पॉइंट पे जाने के बाद किसी ने पूछा कि मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, देखिए 5 प्लस 3 यानी कि मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल 8 किलोमीटर। जबकि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा इनके बीच का स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये वाला, इनके बीच का स्ट्रेट लाइन मतलब ये, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, AC, मुझे AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब मैं A से निकल के पहले B में गया, B से C में गया, C से मैं आया D पे, और D से मैं वापस चला गया A पे, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर 5 किलोमीटर है, मान लीजिए ये भी 5 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है, तो A पे आने के बाद मेरा टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ए पे आने के बाद जो मेरा टोटल डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 3 16 16 किलोमीटर। तो टोटल मैं यहाँ से चलते हुए कितने किलोमीटर चल के आया, टोटल यहाँ से यहाँ तक चलते आते आते मेरा जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 16 किलोमीटर। नाउ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट
मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मेरा इनिशियल पोजीशन कौन सा था, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन मेरा ए था और मेरा एंडिंग पोजीशन भी कहाँ पे था, ए पे था। तो ए और ए के बीच में कितना डिफरेंस है, ए और ए के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो हमेशा याद रखना, अगर आप यही से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप पूरा दुनिया घूम के आ जाए, लेकिन अगर आप वहीं पर वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो होगा स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन अगर सेम हो गया तो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन पे हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर वन पे ए पर्सन वर्क टू किलोमीटर्स टू ईस्ट। देखिए ईस्ट, पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ ये आदमी कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, देन टर्न्स टू द नॉर्थ। अच्छा थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूँ, नहीं तो डायग्राम नहीं बना सकता मैं। ये ईस्ट में गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के बाद नॉर्थ पे, यानी कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ गया, जाने के बाद ये नॉर्थ की तरफ ऊपर कितना गया, नॉर्थ की तरफ गया, देन टर्न नॉर्थ एंड वर्क 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चला, यानी कि नॉर्थ की तरफ ये चला 3 किलोमीटर, एंड देन फाइनली टर्न वेस्ट, उसके बाद ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया और 4 किलोमीटर गया टूवर्ड्स वेस्ट, इस तरफ कितना गया, टोटल गया वो 4 किलोमीटर। देन व्हाट इज़ द पर्सन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरे को क्या पूछ रहा है, ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछ रहा है। ठीक है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, बीच में मान लीजिए सी पोजीशन और डी पोजीशन है। ठीक है, तो मैं ए से स्टार्ट किया, सी पे पहुंचा, फिर डी पे पहुंचा, फिर बी में पहुंचा। ठीक है, तो मुझे जो है इन दोनों के ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो आप पहली चीज़ तो मेरे को बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 किलोमीटर गया प्लस 3 किलोमीटर इधर ऊपर गया, उधर फिर मैं वेस्ट गया 4 किलोमीटर, और जो तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा वो कितना बनेगा, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9 किलोमीटर। और मेरा डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी माई डिस्प्लेसमेंट, माई डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट। तो मेरा ए और बी पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको पहले तो ए और बी पॉइंट को जोड़ देना है, फिर आप यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, यहाँ से ये पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। अब मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि ये अगर 2 किलोमीटर है, ये नीचे वाला, ये अगर 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो ऊपर टोटल 4 था, इतना 2 है, तो इतना क्या होगा, ये भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 होगा, क्योंकि टोटल था 4, टोटल 4 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है आपका 4, और अगर यहाँ तक 2 है तो बाकी का ये कितना होगा, 2। तो ये मेरे को डिस्टेंस मिल गया 2, और ये हाइट जो है, ये हाइट इस तरफ यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो ये जो हाइट है ये भी आपका कितना होगा, 3। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसका नीचे का जो बेस है वो कितना है, 2 किलोमीटर, हाइट कितना है, 3 किलोमीटर। तो मेरे को बस क्या निकालना है, इसका बस हाइपोटेनियस निकालना है। ये हाइपोटेनियस क्या है, ए और बी है। ठीक है, यही हाइपोटेनियस अपना ए और बी है। ठीक है, हम लोगों को ये ए भी निकालना है। अब आपको पता होगा पाइथागोरस से, अगर हम लोग हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट कितना है इसका, हाइट है 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर है 4 + 3 स्क्वायर = 9। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है हम लोग कितना मिल जाएगा, √13। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, √13, ए और बी का स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ए पर्सन वर्क 10 मीटर्स नॉर्थ। ठीक है, एक पर्सन है जो कि सबसे पहले 10 मीटर नॉर्थ में चला, ये 10 मीटर नॉर्थ पे ये चल के आ गया 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, देन टर्न एंड वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, और फिर उसी पॉइंट से वो आदमी वापस कहाँ चले जाने लगा, साउथ की तरफ 15, साउथ की तरफ कितना गया, 15, ये यहाँ पे पहुँच गया साउथ की तरफ, पहले इस डायरेक्शन में वो गया। अच्छा ठीक है, मैं इसको अलग अलग बना लेता हूँ ताकि समझने ईजी हो। सबसे पहले ये आदमी यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर गया, सॉरी 10 मीटर, फिर इसी पॉइंट से मैं बस अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा, इसी पॉइंट से ये आदमी क्या करता है, 15 मीटर नीचे आता है, मतलब साउथ में आता है 15 मीटर साउथ में। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा है कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिए, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये है मेरा एंडिंग पॉइंट. ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है, ऐसा कुछ है. देखिए सबसे पहले ये मेरा स्टार्टिंग पोजिशन है, यहाँ से ये 10 मीटर पहले ऊपर गया 10 मीटर, और 10 मीटर फिर वहाँ से 15 मीटर ये नीचे आ गया ऐसे, ओके, यहाँ पे आ गया जो मेरा फाइनल पोजिशन है, ठीक है. तो ये मेरा इनिशियल पोजिशन, इनिशियल, और ये मेरा फाइनल, ठीक है. कितना नीचे आया ये, 15 मीटर. तो मेरा अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोले तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, ये यहाँ से पहले यहाँ तक गया, तो यहाँ तक कितना गया वो 10 किलोमीटर गया, और फिर नीचे कितना आया 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा 10, और उसके नीचे का जो एरिया है वो कितना होगा 5, वो इजीली निकाल सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 15, और 15 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस जो कि है अपना 10, तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो अपना ये मिल जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का है, 5 मीटर. अगर हम लोग को डिस्टेंस भी पूछ लेता क्वेश्चन में तो डिस्टेंस भी हम लोग बता सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, पहले ये गया 10 मीटर ऊपर, फिर आया 15 मीटर नीचे, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 मीटर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वर्क 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है. एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ. अभी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट किस तरफ होता है. एंड देन टर्न एंड वर्क 2 किलोमीटर इन वेस्ट, फिर वहाँ से उसने टर्न ले लिया और 2 किलोमीटर वो कहाँ पे आ गया, 2 किलोमीटर वापस से वेस्ट की तरफ आ गया, ओके. एंड फाइनली टर्न एंड वर्क 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, फिर वहाँ से वो आदमी जो है वो यहाँ से टर्न लेके ऊपर पहुँच गया नॉर्थ की तरफ, कितना, 3 किलोमीटर. तो अभी हम लोग को पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ये हमारा एंडिंग पोजीशन है, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए. ये मान लीजिए ए, ए से ये पहुंचा बी में, बी से पहुंचा सी में, सी से पहुंचा डी में. तो हम लोगों को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो कि है ए डी, ठीक है, ए डी. तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए डी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, पहले तो हम लोग को ए सी निकालना पड़ेगा. ए सी कितना है, अब ए सी कितना है, देखिए ए सी ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये है 5 किलोमीटर, माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो है, ये हम लोग को निकालना है. लेकिन हम लोग को पता है ये पीछे का डिस्टेंस पता है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक का यह है 2 किलोमीटर, तो यानी कि 5 माइनस 2 किलोमीटर, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए सी वो कितना है, 3 किलोमीटर. ए सी 3 किलोमीटर है, सी डी हम लोगों को गिवन है, सी डी इज इक्वल टू 3 डी इज ऑल्सो इक्वल टू 3 किलोमीटर. तो अभी हम लोग ए डी निकाल सकते हैं. ए डी हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फार्मूला इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइट क्या है, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए डी सी ट्राइंगल में आपका ये क्या है, हाइट क्या है 3 स्क्वायर प्लस बेस क्या है ए सी भी हम लोग को मिल गया 3 स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 ये 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ये भी 9, तो रूट 18 आपको ये क्या मिल जाएगा, रूट 18. और रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 किसका रूट होता है 3 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, ठीक है. डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन मैंने इसको आपको बस समझा दिया. इसके यूनिट क्या आएगा, मीटर, नहीं सॉरी किलोमीटर था ना, किलोमीटर. तो किलोमीटर में आ गया डिस्प्लेसमेंट निकलने अब हम लोगों ने. तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, अ बॉय कंप्लीट वन राउंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर. तो कोई एक बॉय है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घूम रहा है, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो गिवन है हम लोग को कितना, उसका रेडियस हम लोग गिवन है 20 मीटर. इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस इज 20 मीटर. देन हम ये क्या किया, इस लड़के ने देखिए 20 मीटर इन 50 सेकेंड, अच्छा ठीक है. तो ये एक बार यहाँ से स्टार्ट करके पूरा घूम के यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक घूम के आ गया वो कितने टाइम में, 50 सेकेंड में. तो 50 सेकेंड में ये पूरा एक बार टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड. 50 सेकेंड में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आ गया. द डिस्प्लेसमेंट एट दी एंड, अच्छा यहाँ पे मैं स्पेस देना भूल गया, स्पेस दे दीजिए यहाँ पे.
द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट एंड 10 सेकेंड विल बी, तो 4 मिनट और 10 सेकेंड बाद जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा मेरे को पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये 4 मिनट और 10 सेकेंड सॉल्यूशन में हम लोग ये जो 4 मिनट 4 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स है इसको पूरा ही सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले उस कन्वर्टर से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 4 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 4 × 60 सेकेंड्स, क्योंकि एक 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सो 4 मिनट वाले 4 × 60 सेकेंड प्लस और 10 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24, 240 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड, टोटल आ जाएगा हमारा 250 सेकेंड। तो वो लड़का कितने समय टाइम के लिए इधर ये घूम रहा था सर्कुलर पाथ में? फॉर 250 सेकेंड। नाउ ईच राउंड टेक्स 50 सेकेंड, एक राउंड के लिए 50 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड कितना आएगा? तो वो कितना राउंड घूम पाएगा? नंबर ऑफ राउंड्स या फिर जो भी है रिवोल्यूशन जो भी है वो लड़का कर रहा है, तो वो कितना होगा? 250 / 50 इज इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा? 5 राउंड मार चुका होगा वो लड़का। ठीक है, वो लड़का कितने बार उसको घूम चुका होगा? वो लड़का उसी पाथ में 5 बार घूम चुका होगा। ओके, तो अगर 5 बार उस लड़के ने पूरा इस रोड पे घूम चुका था, ठीक है, ये लड़का यहाँ से स्टार्ट करके 5 बार घूम लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, 5 बार इस लड़के घूम के यहीं पे आ गया। तो देखिए, इसने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? यहीं से किया, और एंडिंग भी कहाँ पे किया? यहीं पे किया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? 5 राउंड उसने कंप्लीट कर दिया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके 5 राउंड के लास्ट में पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन मूव ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। तो एक कोई आदमी है जो कि सेमी सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है इस बार, ठीक है, और उस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 40 मीटर। ओके, इफ ही स्टार्ट ऑन वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर एंड, तो उसने क्या किया? एक एंड से शुरू किया, मतलब यहाँ से शुरू किया ए से, और घूमते घूमते कहाँ पे पहुँच गया? अदर एंड, यानी कि बी पे पहुँच गया, सेमी सर्कल के। ठीक है, तो अदर एंड, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों को क्या पूछा है? हम लोगों को डिस्टेंस पूछा है सबसे पहले, तो डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया होगा? ए से बी पे पहुंचा, और कैसे पहुंचा? इस सर्कुलर पाथ से पहुंचा ऐसे करके। तो इस सर्कुलर पाथ का, हम सेमी सर्कल का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? इस सेमी सर्कुलर का हम लोगों को सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। इसका जो सर्कमफेरेंस, ये जो सर्कमफेरेंस है यही तो होगा इस आदमी का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता होगा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, 2πr। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग का सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल, तो इसको हम लोग किस क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि सेमी है, आधा सर्कल है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? πr। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ πr इज इक्वल टू 22/7 × r। ठीक है, r कितना है? 40 मीटर्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? कैलकुलेट करने पर 3.14 × 40 आ रहा है 125.6 मीटर्स। ठीक है, तो इतना मीटर्स, अच्छा ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन में मैं दिखा देता हूँ, 3.14, इसको अगर आप पाई का एक और वैल्यू होता है, इंटू 40 मीटर्स, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 125.6 मीटर का आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग टू डिस्प्लेसमेंट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इस चीज़ में जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नाउ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन कौन सा है। स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे? ए पे, और एंडिंग पोजीशन कहाँ पे है? बी पे। तो इस ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा? क्या ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? और क्या ये ए जो शॉर्टेस्ट ये जो लाइन है क्या इस सर्कल का डायमीटर है? इस सर्कल का डायमीटर है ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर इतना 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। तो आपको पता होगा डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस 2 × रेडियस। तो ये अगर रेडियस हम लोगों को 40 गिवन है तो ये डायमीटर जो होगा वो कितना होगा? टोटल 80। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना लिख सकते हैं? 40 + 40 = 80 मीटर्स। तो इस
आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 80 मीटर्स। तो आपको याद रखना, सेमी सर्कल जब भी होगा और अगर आप वो आदमी आधा घूम चुका है तो हम लोगों को बस उस सर्कल का डायमीटर निकाल लेना है एंड विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे। अ पर्सन ट्रैवल नॉर्थ बाई 4 मीटर एंड देन टर्न टू वेस्ट एंड ट्रैवल बाई 3 मीटर। ये इजी क्वेश्चन है पहले के जैसा। ये इजी क्वेश्चंस आप हम लोग कर लेते हैं। ए पर्सन ट्रैवल नॉर्थ 4 मीटर, तो एक पर्सन है नॉर्थ की तरफ कितना गया, 4 मीटर गया, 4 मीटर्स नॉर्थ में गया। देन टर्न वेस्ट, देन टर्न वेस्ट, वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ, ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, कितना गया वेस्ट में जाके, 3 मीटर गया। ठीक है, अभी हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को बताना है। जिसका भी जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको हम लोग हार दे देंगे। चलिए इसी के साथ आज हम लोग मोशन को यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ी इसको पढ़ना है, सारे जो डेफिनेशंस वगैरह है वो करना है, जो होमवर्क गिवन है आपको वो करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है और हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैनल पर रहेंगे, ये रहेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग।